स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, नमस्कार, मैं हूं रौनक। बड़े बुजुर्गों ने बहुत सही बात बोली है कि बेटा किसी भी चीज को लेकर जरूरत से ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, किसी न किसी की काली नजर लगी जाती है, ज्यादा हल्ला मचाने से काम खराब हो ही जाता है। रणवीर सिंह और प्रशांत वर्मा के साथ भी शायद यही हुआ है। अब जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि एक लीडिंग मीडिया एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि रणवीर और प्रशांत एक फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूसर भी मिल गया था, राक्षस नाम भी डिसाइड हो गया था, लेकिन अब खबर है कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से शायद इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, वो अलग हो गए। जिस मीडिया एजेंसी ने इस खबर को हमारे सामने रखा था उसी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि रणवीर भाई ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। पब्लिक ये बोलकर उनको ट्रोल कर रही है कि भाई पिछले कुछ सालों में रणवीर ने जितनी फिल्में की नहीं है उससे ज्यादा तो छोड़ दी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मियां कसम उड़ान छल्ले की और किंग विराट के बल्ले की, ये बात हमको हजम नहीं हो रही है, लेकिन मेरा दिमाग ये कहना चाहता है कि भाई जितने एंथुसियाज्म के साथ रणवीर इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते थे और खुद अपने लेवल पर भी ये ट्राई कर रहे थे इस फिल्म को प्रोड्यूसर मिल जाए, तो इस फिल्म के बारे में उन्होंने कुछ तो डिस्कस किया ही होगा, कुछ तो जोड़ घटाना किया ही होगा, अंक गणित और बीज गणित के फॉर्मूले लगाए ही होंगे, तब जाके ही दोनों साथ में आए होंगे, नाम भी फाइनल कर लिया, लेकिन एंड मोमेंट पर ये कौन सा क्रिएटिव डिफरेंस आ गया ब्रो। ये तो वही बात होगी कि दरवाजे पर आई बारात और दूल्हे का पेट हो गया खराब। भाई इस फिल्म को लेकर फैंस में बज बनता जा रहा था, एक्सपेक्टेशंस का गुब्बारा भर के हवा में लहरा रहा था, और तभी रणवीर भाई ने उसमें पिन मार के फोड़ दिया। इस रिपोर्ट की माने तो भाई साहब रणवीर और प्रशांत बहुत दिनों तक इस डिफरेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए साथ बैठे भी थे। सूत्रों का कहना है कि रणवीर भाई को मनाने के लिए प्रशांत वर्मा ने साउथ की चॉकलेट भी खिलाई थी, लेकिन रणवीर भाई माने नहीं। दोनों ने यहां तक बोला कि भाई न मेरी न तेरी एक कॉमन ग्राउंड पर आते हैं, लेकिन वो कॉमन ग्राउंड ढूंढते ढूंढते फिल्म ग्राउंड में घुस गई। ऐसा विध्वंस करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लोग बोलकर शायद किनारा कर लिया, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड से सात जन्मों की दुश्मनी पाले बैठे लोगों के लिए जैसे ये लॉटरी लग गई हो। ये वही लोग हैं जिनका हाजमा खराब हो जाता है अगर एक भी बॉलीवुड फिल्म हिट हो जाए तो। ये वही लोग हैं जो हर बॉलीवुड पोस्टर फाड़ने के लिए मुंह में ब्लेड लिए घूमते हैं। उनका कहना है कि अच्छा वो रणवीर खुद इस फिल्म से अलग हट गए, नहीं तो बॉलीवुड की छाप इस फिल्म को बर्बाद कर दी थी। वैसे ये फिल्म जुलाई में फ्लोर्स पर जाने वाली थी, इसका मतलब ये कि अगर ऐसा है तो या तो इसकी कहानी लिखी जा चुकी होगी या प्री प्रोडक्शन में होगी। ऐसे में क्रिएटिव डिफरेंस का वो कौन सा पॉइंट बच जाता है जहां रणवीर भैया को ये लगा होगा कि भाई मैं तो स्क्रीन पर नहीं आ पाऊंगा। वैसे हर एक स्टार का खुद का एक ऑरा लेकर वो आदमी चलता है, वो अपनी ऑडियंस को लेकर चलता है, रणवीर को भी अपनी ऑडियंस का पता है। बेसिक रीजन ये हो सकता है कि वो इस फिल्म के ओवरऑल मटेरियल से खुश ना हो और चेंजेस को सजेस्ट कर रहे हो, वहीं प्रशांत वर्मा को वो चेंजेस शायद उनके विजन के अकॉर्डिंग ठीक ना लगता हो। खैर जो भी हो, लेकिन ये सुनने के बाद उन फैंस को धक्का लगा होगा जो इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। उनका तो यही कहना होगा कि भैया रणवीर भाई सर्कस जैसी फिल्म करने के बाद भी आप तो कम से कम क्रिएटिव डिफरेंस की बात मत करो यार। बाकी इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नाम है स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद।